सीधा चलते हैं अपने उन फैंस के बीच जो बेहद उत्साहित हैं आज की इस जीत को लेकर, भारत के वर्ल्ड कप जीतने के प्रोस्पेक्ट्स को लेकर। रिया मेरे साथ नोएडा से जुड़ रही हैं। रिया, आज ये जो तमाम भीड़ आपके साथ खड़ी है, पूरा मैच देखा इन लोगों ने, कितने उत्साहित हैं आप? अहमदाबाद में फाइनल खेला जाएगा 19 तारीख को। जी प्रीति, पूरा मैच इन लोगों ने देखा है और उत्साह तो आप देख सकते हैं। भारतीय टीम की टी-शर्ट इन्होंने पहन रखी है और आप देखिए, फैंस की खुशी का यहां पर ठिकाना नहीं है। जो बदला 2019 का लेना था वो लेकर फैंस की खुशी का कोई ठिकाना यहां पर नहीं है। आइए बात करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा मुश्किल होगा पर मैं जरूर कोशिश करूंगी फैंस से आपकी बात कराने की। सर, कैसी भारतीय टीम की परफॉर्मेंस, क्या वर्ल्ड कप अब इंडिया में ही आने वाला है? आने वाला है 100%। मोहम्मद शमी, हम बैट्समैन की बात बहुत करते हैं, आज मोहम्मद शमी ने जो करके दिखाया है हमें, शमी के आगे टिक नहीं पाए। अगेन दो मैचों में 12 विकेट लिए उन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। कोहली का भी जो शतक रहा उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कोहली तो आज तेंदुलकर के पार हो गए, 51 शतक लगाएंगे, लेकिन फाइनल में 51 शतक लगाएंगे वो और हम जीत के आएंगे। भारत की जो जीत है उसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? कैसा लगा मैच को देखकर आपको बताइए? मैच वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। मेरे हिसाब से शमी को जाना चाहिए बिकॉज वो विकेट बहुत क्रूशियल थे। ऑफ कोर्स कोहली का सेंचुरी हमेशा। आप क्या सर कोहली की परफॉर्मेंस पर क्या कहना चाहेंगे? कोहली लाजवाब है, बैटिंग में कोहली, बॉलिंग में शमी। रिया, ये बेहद खूबसूरत बात है कि पूरी ही टीम की तारीफ हो रही है और तारीफ होनी भी चाहिए, क्योंकि ये जो जीत मिली है या अब तक की जितनी जीत मिली है 10 में से 10 टीम इंडिया को किसी एक खिलाड़ी के बलबूते पर नहीं मिली है। पूरी ही टीम जो है लगातार मेहनत कर रही है और अब आप देखिए 17वें मैच में शमी ने 50 विकेट झटके हैं और स्विंग की जो सनसनी मचा रखी है मोहम्मद शमी ने वो सबको नजर आ रही है। सीधा चलते हैं वानखेड़े जहां पर जीएस विवेक हमारे साथ मौजूद है और विवेक, माहौल यहां पर हमारे न्यूज रूम में, स्टूडियो में बहुत इलेक्ट्रिक है। मुझे लगता है कि आप जो इस जनता के बीच खड़े हैं उनसे भी बात कीजिए और उनसे पूछिए कैसा महसूस कर रहे हैं आप। भारत के पास बेहतरीन मौका है वर्ल्ड कप ट्रॉफी लिफ्ट करने का, फाइनल का टिकट डन। जी हाँ बिल्कुल प्रीति, यहाँ पर वांकड़े पे बहुत सारे फैंस हैं और ये बहुत ज्यादा खुश है। इंडिया जीत गई, सभी ने सभी की बात है, सभी ने मैच जिता दिया, विराट का शतक, इंडिया जीत गई, इंडिया जीतेगी हमारी, इंडिया जीतेगी हमारी, मुंबई जीत ली हमने, इंडिया इज द ग्रेट, इंडिया फाइनल मारेगा। सभी ने पूरी कमर तोड़ दिया न्यूजीलैंड वालों की, पूरा मैच जीत के दिखाया इंडिया वालों ने। शमी ने क्या बोला सबको, यहाँ शमी का पंजा, विराट का शतक, श्रेयस का शतक, सब काम आया। अब अहमदाबाद की बारी। देखा सुना आपने प्रीति, यहाँ पर की फैंस बहुत उत्साहित हैं, उस बात को लेकर खुशी है कि अब यहाँ पर टीम इंडिया का जो कारवा है वो अब अहमदाबाद जाएगा और फाइनल में अब बस ये देखना है कि साउथ अफ्रीका मिलेगी या ऑस्ट्रेलिया। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से इंडियन टीम यहाँ पर खेल रही है और खासतौर पर बैटिंग की बात करें या बॉलिंग की बात करें, पूरा कंप्लीट अकाउंट यहाँ पर दिख रहा है और जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है यहाँ पर मोहम्मद शमी की। ये वो खिलाड़ी हैं जिनको एक साल पहले ये कह दिया गया था कि उनका वाइट बॉल का करियर अब खत्म हो चुका है, वो सिर्फ व्हाइट बॉल में वापस इसलिए आए क्योंकि बुमराह की वापसी में काफ़ी देरी हो रही थी और प्रसिद्ध कृष्णा यहां पर इंजर्ड हो गए थे, उसके बाद भी वो आए तो वो बेंच पर बैठे, पंजा लेने के बाद भी वो बेंच पर बैठे, सिर्फ इसलिए क्योंकि यहां पर टीम इंडिया के पास जगह नहीं थी, मोहम्मद सिराज से पहले वो खिलाने चाहते नहीं थे। लेकिन हार्दिक पांड्या की इंजरी होने के बाद जिस तरीके से उन्होंने वापसी करी है उसका कोई मुकाबला नहीं बिल्कुल है। और यही एक बड़े खिलाड़ी की पहचान होती है, जब उसे मौका दिया जाता है वो उस मौके का पूरा फायदा उठाता है। मोहम्मद शमी ने कर दिखाया, 23 विकेट उन्होंने इस वर्ल्ड कप में ले लिए हैं और अब फाइनल में किस तरह का परफॉर्मेंस देंगे मोहम्मद शमी, सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई है। खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तारीफ करते हुए मोहम्मद शमी की कहा है कि जिस तरह की गेंदबाजी की है आज मोहम्मद शमी ने, वो ना सिर्फ इस वर्ल्ड कप में लेकिन आने वाली जो जनरेशन है क्रिकेट लवर्स की वो भी याद रखेंगे और आज की जो सेमीफाइनल की जीत है वो बहुत ज्यादा खास हो जाती है इन जैसी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस के चलते भी। 9.5 ओवर में 57 रन देकर 7 विकेट झटके मोहम्मद शमी ने और इससे पहले जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे जो बल्लेबाज है उन्होंने भी अपना योगदान दिया, 398 रन का बड़ा टारगेट सेट किया न्यूजीलैंड की टीम के सामने। और सीधा चलते हैं अब संजय बांगर के पास जो हमारे साथ जुड़ गए हैं अब इस ब्रॉडकास्ट में। संजय, एक बार फिर स्वागत है आपका। जीत का स्वाद तो चख चुकी है अब सेमीफाइनल में टीम इंडिया, कई चीजें हैं जिन्हें साइड लगाया गया है सेमीफाइनल्स में, अक्सर
कहा जा रहा था कि हम चोकर्स बनकर बाहर हो रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा था कि न्यूजीलैंड जो है हमारी बोगी टीम है, बड़ी महंगी पड़ती है आईसीसी इवेंट्स में। आज सब वो आंकड़े पलट दिए। बहुत खुशी की बात है इंडियन टीम के लिए, जिस तरह का प्रदर्शन किया, एक कंप्लीट मैच खेला, और बल्लेबाजी की खासकर तारीफ होगी क्योंकि ऐसे विकेट के ऊपर 398 रन बनाना, और शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर जो नए पहली बार अपना वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी करी उससे बहुत प्रेशर जो है वो रोहित शर्मा विराट कोहली को रिलीज़ किया और एक अच्छा स्कोर खड़ा किया, क्योंकि उस तरह का स्कोर मुझे लगता है इस विकेट के ऊपर अबाव पार स्कोर था। और गेंदबाजी की बात ही क्या करें, क्योंकि सभी जो गेंदबाज है बिल्कुल अपने रिदम में और अच्छी बढ़िया गेंदबाजी तो कर पाजी इससे पहले कि मैन ऑफ द मैच ऑफिशियली अनाउंस हो, अगर आपको चुनना होता तो आप किसे देते? शमी को इसमें पूछने की ज़रूरत नहीं है, उसने आके ब्रेक थ्रू जब चाहिए थी तब मिली, उसके बाद जब एक सेट दो बैट्समैन हो गए तब भी आके उन्होंने विकेट निकाली, तो इसलिए हाँ ये बहुत बड़ा ही बढ़िया विराट कोहली ने किया, लेकिन अगर परफॉर्मेंस के ऊपर जाएं तो मेरे हिसाब से शमी को मिलना चाहिए। चलिए तो आपने तो अपना मैन ऑफ द मैच चुन लिया, लेकिन अतुल भी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। अतुल देखिए पहले 398 रन बल्लेबाजों ने खड़े किए और उसके बाद मोहम्मद शमी के 7 विकेट, आपकी आपके नज़र से सबसे ज़्यादा अगर काबिल तारीफ किसकी परफॉर्मेंस रही आज की इस जीत में तो किसकी रही? देखिए पूरी टीम की मुझे लगता है सब क्रिकेट की बात कर रहे हैं, कपिल पाजी सब सेम ही चीज बोल रहे हैं, पर मैं बार बार सुन रहा हूँ कि ये जो न्यूजीलैंड से बदले की बातें हो रही हैं, तो आपको पता है मैं थोड़ा हटके सोच रहा था कि मतलब कि अगर बदला ही लेने के लिए तो इतने बदले लेते लेते तो यू नो एन आई फॉर एन आई मेक्स अ होल वर्ल्ड ब्लाइंड, और जैसे इंग्लैंड से अगर बदला लेना तो जलियांवाला बाग का बदला लेंगे, जो पाकिस्तान से तो बदलों की किताब है, साउथ अफ्रीका से अपार्थाइड का और श्रीलंका से रावण का बदला लेंगे, पर न्यूजीलैंड से सिर्फ क्रिकेट का बदला ले सकते हैं, तो आज बदला ले लिया। अब आगे देखिए, अब ऑस्ट्रेलिया मुझे लग रहा है कि वो पहुंच जाएगी, और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का फाइनल 130,000 लोग जो होंगे वो एक इवेंट होगा, और मैं उसको लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये टीम की विक्ट्री है, पर्सनल परफॉर्मेंसेज अच्छी है, और शमी ने प्रूव कर दिया है कि यू नो टेस्ट क्रिकेट की बॉलिंग जो है ना वो हर क्रिकेट में चलेगी। नहीं वैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा अतुल, की बदले की भावना बहुत अच्छी भावना नहीं होती, लेकिन जैसे कहा जाता है कुछ दाग अच्छे हैं वैसे ही कुछ बदले भी अच्छे हैं। आज न्यूजीलैंड को इस सेमीफाइनल में हराकर टीम इंडिया ने अपने लिए फाइनल में जगह पुख्ता कर ली है, और हमें उन दर्शकों को नहीं भूलना है जो लगातार टकटकी लगाए इस मैच को देख रहे थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।